दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसमें जरूर होगा कि आप यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करते हो और इंटरनेट से पैसे इधर उधर भेजने का भी काम करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं और हम कई बार जो है ना गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। जब हमारा पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है तब हमको क्या करना चाहिए, क्या कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारा पैसा वापस आ सके, इसी बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैसे राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे दबा लीजिए, क्योंकि मैं जैसे कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो सबसे पहले आप बिना टाइम गंवाए आरबीआई की गाइडलाइन के तहत जिस अकाउंट में, यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है, जल्दी से जल्दी उस बैंक में आप कांटेक्ट कीजिए और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। अब इसके बाद वो अधिकारी क्या करेगा कि जिस अकाउंट में आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं वो उस इंसान से संपर्क करेगा और उस इंसान से पैसा वापस करने के लिए बोलेगा, उसकी इजाज़त लेगा। तो अगर वो ऐसे में इंसान वो मान जाता है, कई बार मान भी जाता है, ज़्यादातर मान जाते हैं लोग बाग, तो वो आपका पैसा वापस कर देता है। अगर वो इंसान मानने से इनकार कर देता है तो बैंक का अधिकारी भी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा। अगर ऐसा होता है और वो पैसा देने से मना कर देता है तब आप क्या करेंगे? तो आरबीआई की गाइडलाइन के तहत आपके पास पूरा अधिकार है, अगर आपके पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है तो जितनी जल्दी हो सके आप उस पर कोर्ट केस कर दीजिए। और आपका ये अधिकार भी है और ये आरबीआई की गाइडलाइन भी कहती है। कोर्ट केस करने के बाद इसके अलावा आप जो है ना कंज्यूमर कोर्ट की भी सहायता ले सकते हैं, वहाँ से भी आपका पैसा वापस मिलने काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना उस पर FIR तो जल्दी से जल्दी दर्ज करा ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बात सोचने वाली ये ज़रूर है कि उस बेचारी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर तो FIR होनी चाहिए अगर वो आपका पैसा वापस नहीं देता है। ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी गलत खाते में पैसे भेजे हैं या फिर आपके खाते में भी कभी गलती से पैसे आए हैं? तो मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए। हालांकि मेरे एक छोटे भाई हैं, उनके खाते में कुछ लाख रुपए आ गए थे गलती से। जब डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो 15 लाख के आसपास कुछ रुपये आए थे, तो रुपया निकालने की जगह उनका खाता भी ब्लॉक कर दिया गया, ATM कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में उनकी गलती कोई भी नहीं थी, फिर भी वहाँ पर उनको ये सजा दे दी गई। फिर उन्हें क्या चक्कर काटे बैंक के और उसके बाद उनका खाता नॉर्मल हुआ, लेकिन वो 15 लाख रुपए हैं वो गायब हो गए। तो ऐसे में ये कभी और मज़ेदार वाक़े होते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।